हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एचएससी कॉमर्स के इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 का। तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझने से पहले, किस तरीके से आपके इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन करना है वो समझने से पहले, सबसे पहले आपको उसके पेपर पैटर्न के बारे में देखना है। तो पेपर पैटर्न की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपका 6 क्वेश्चन तक टोटल दिया गया है। पहले आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में आपको थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं, देन उसके बाद आपको पता चलेगा किस तरीके से आपको चैप्टर्स की प्रिपरेशन करना है कि आपका टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं सीधा बोलता हूँ जितने भी चैप्टर्स है आपको पूरे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, अगर 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आपको लाना है तो ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, आपको टोटल जितने भी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स है पूरा कवर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। NA3 आउट ऑफ 5 की बात किया है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में ऐसे ही है तो आपको दो ऑप्शनल मिलेंगे कंपेयर टू OCM एंड SP का कंपेयर आप करते हो तो इकोनॉमिक्स में आपके ऑप्शन थोड़े से एक्स्ट्रा दिखेंगे, एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा दिखेगा। NA3 आउट ऑफ 5 6 मार्क्स का है, मतलब पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। पहले जो भी सेंटेंस रहेगा उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद में उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का है। सेकेंड का भी डिस्टिंग्विश बिटवीन NA3 आउट ऑफ 5 सेम है, 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई NA3 कवर करने हैं, कितना इसका वेटेज रखा गया है 6 मार्क्स इसका वेटेज रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, आंसर द फॉलोइंग, मतलब शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं। NA3 आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से आपको यहाँ पे भी 3 लिखने हैं, कितना इसका वेटेज है 12 मार्क्स इसका वेटेज है, मतलब एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए दिया जाएगा वहां पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, एग्री डिसएग्री NA3 आउट ऑफ 5, मतलब यहाँ पे आप देखोगे जितने भी क्वेश्चंस आपको लाइन दिख रहे हैं NA3 कवर करना है आउट ऑफ 5 में से, कितने मार्क्स का है 12 मार्क्स का है, तो यहाँ पे आपको एग्री डिसएग्री बताने का 1 मार्क्स मिलेगा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्टिविटी रहेगा, मतलब आपको वहाँ पे कुछ टेबल्स वगैरह दिए रहेंगे उसको कंप्लीट करना रहेगा या फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा टॉपिक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो लॉन्ग आंसर NA2 आउट ऑफ 3, मतलब यहाँ पे ऑप्शन कम हो गया है, 3 में से कोई 2 कवर करना है, लॉन्ग आंसर 16 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है अगर जिसको पासिंग होना है या फिर जिसको स्कोरिंग करना है इस टॉपिक में उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न का आइडिया चला क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन है। अब जो आपको स्ट्रेटेजी जो रखनी है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, तो बात करते जो आपका इकोनॉमिक्स है HSC का, HSC जो आपका इकोनॉमिक्स है वो जब आप प्रिपरेशन करते हो तो उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, दो पार्ट्स में आप उसको डिवाइड करो। फर्स्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर के वेटेज पे जाएंगे, चैप्टर का वेट जो ज्यादा दिख रहा है उसकी प्रिपरेशन आप पहले कर लेते हो, तो बट इकोनॉमिक्स के केस में ऐसा आपको नहीं करना है। आप क्या करना है, चैप्टर 1 मतलब जो भी आपका इकोनॉमिक्स है माइक्रो एक तरफ करना, माइक्रो एक तरफ करना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक आपका माइक्रो वाला पार्ट हो जाता है एंड 6 से लेके 10 तक का मैक्रो कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है। तो यहाँ पे सजेशन क्या देंगे कि आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले कॉन्सेप्ट हैं ये आपके थोड़े से इजी है कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इजी उनको लगता है, मतलब चैप्टर नंबर 1 से 5 चैप्टर्स आपका इजी पड़ता है कंपेयर टू 6 to 10 चैप्टर्स वाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के जितने भी क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स हो गए आपके, आइडेंटिफाई वाले हो गए, डिस्टिंग्विश हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, एग्री डिसएग्री हो गए, मतलब कंप्लीट कवर करना है। अगर आपने 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कवर कर लिया तो आपका 80% पेपर हो गया सॉल्व, 80% पेपर सॉल्व हो गया। देन आप क्या करोगे, मैक्रो जो आपका 6 टू 10 दिया है यहां से आप जो भी टोटल 5 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, टोटल 5 चैप्टर्स यहां पे आपको दिख रहे हैं, तो 5 चैप्टर्स में से कोई भी NA2 मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, कोई भी 2 आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 2 चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो बट यहां पे सजेशन क्या है, कौन से चैप्टर सेलेक्ट करना जिसका बेनिफिट हमको अदर जगह पे भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करूं तो मैं सजेशन दूंगा चैप्टर 9 आप सेलेक्ट करो। चैप्टर 9 का सजेशन क्या है, मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट, ये आपको SP में भी टॉपिक दिख जाएगा। तो मनी मार्केट कैपिटल मार्केट आपने SP में भी कवर किया है, वहां पे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आपको दिखेगा, यहां पे भी अगर आप कवर करते हो तो आपका 11 मार्क्स यहां से इस टॉपिक से कवर हो जाता है। दूसरा क्या है, पब्लिक फाइनेंस
इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें भी आपके टाइप्स ऑफ बैंक दिखेंगे जो कि ओसीएम में कवर हो जाते हैं। तो ये दो चैप्टर्स अगर आप पिक करते हो तो इसका बेनिफिट आपको, चैप्टर नंबर 9 का बेनिफिट आपको एसपी में दिखेगा, चैप्टर नंबर 8 का बेनिफिट आपको कहाँ पे दिखेगा, ओसीएम वाले टॉपिक में दिखेगा। मतलब सजेशन क्या है, इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन करने का चैप्टर नंबर अगर आप माइक्रो कवर कर लेते हो, माइक्रो के बाद एनी टू में से आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 कवर कर लेने हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन से पूरे कंप्लीट कवर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ चैप्टर वाइज कैसे कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। जैसे अगर मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ, तो वहां पे आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब चारों क्वेश्चन चैप्टर 1 से कवर करने हैं। जब आप चैप्टर नंबर 2 पे जाते हो, चैप्टर नंबर 1 पे आपके कितने 4 क्वेश्चंस मैंने दिए आपको, वो कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 2 पे जाते हो तो टाइप्स ऑफ यूटिलिटी करना है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी करना है, लॉ ऑफ डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन के साथ में कवर करने हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको इसी को कवर करना है, थर्ड ए एंड थर्ड बी कोई क्वेश्चंस आपको वहां पे छोड़ने नहीं है, जितने क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं वो आपको पूरा कंप्लीट कवर करना है, क्योंकि थर्ड ए एंड थर्ड बी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वहां से है, क्योंकि जो आपके लॉन्ग आंसर है वो थर्ड ए एंड थर्ड बी से, चांसेस 90% आपके हैं थर्ड ए थर्ड बी से ही लॉन्ग आंसर वहां पे बनेंगे। जब आप थर्ड ए की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, लास्ट क्वेश्चन वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंजेस इन डिमांड, चार क्वेश्चन मैंने बताए, ये चारों क्वेश्चन आपको वहां पे कवर करने हैं। थर्ड बी में जब आप जाते हो तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पहला क्वेश्चन आपका बनता है, सेकंड आपका बनता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन क्वेश्चन, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों शॉर्ट नोट्स, अदरवाइज लॉन्ग आंसर में पूछे जाएंगे। थर्ड ए एंड थर्ड बी से आपका लॉन्ग आंसर कवर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आप सप्लाई पे जाते हो तो सप्लाई चैप्टर में एक ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है और यही सबसे पहले आपको कवर करना है। चैप्टर 5th पे जाते हो तो टाइप्स ऑफ मार्केट आपको दिखता है, तो उसमें आपको फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, इतने क्वेश्चंस मैंने आपके क्या करा दिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बता दिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना क्वेश्चंस आप कवर करते हो तो मैंने क्या बताया, इकोनॉमिक्स का 80% पेपर आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और मैक्रो में मैंने बोला एनी टू आप कवर करना है, एनी टू आपको कवर करना है, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9। इस इतना अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट जो टॉपिक है जो आपका इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर में कुछ प्रैक्टिकल सम दिए गए हैं, वो आप सम का उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ सम का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, आपका इकोनॉमिक्स टोटल जो है कवर हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।